लास्ट टाइम हमने अनाउंस किया था थ्रू अपने कुछ कुछ प्राइवेट पेजेस के माध्यम से कि हम अरुणाचल प्रदेश में एक राजनीतिक दल को लेकर आ रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी में हमने अपना दाखिला दिया, उसके बाद वहां से हम पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के अरुणाचल पहुंच रहे हैं। तो 29 जुलाई 2023 तब हम इस पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के अरुणाचल प्रदेश पहुंचे थे और यहां पर थे। न्योकुम लापंग में हमारा एक छोटा सा उत्साह रखा गया था, मतलब क्या कहेंगे उसको, रिसेप्शन समारोह। उसके बाद में उस दिन भी मैंने बोला था मीडिया के माध्यम से कि हमारे राज्य में जितने भी एजुकेटेड यूथ्स है, अनएम्प्लॉयड स्पेशली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, आप लोगों का स्वागत है इस पार्टी में। ये पार्टी ऐसे ही ट्रेडिशनल ओल्ड ट्रेंड से चलने वाला कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टी हमारे ट्राइबल आइडेंटिटी के ऊपर बेस करके, ट्राइबल कंसेप्ट के ऊपर बेस करके ऑल ओवर इंडिया में इसका जो हमारा जो पार्टी का जो सुप्रीमो है, चीफ पैट्रॉन ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर नवकुमार सरनिया फ्रॉम कोकराझार लोकसभा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी असम इंडिया, इनका कंसेप्ट है कि हमारा जितना भी ट्राइबल लोग है ऑल ओवर इंडिया में है, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो, या अदर बैकवर्ड कम्युनिटी से हो, या अदर वीकर सेक्शन से हो, जितने भी हमारे एसटी एससी ओबीसी से आते हैं, हम लोगों को हमेशा ये होता है कि मेनलैंड इंडिया में हम लोग का नेशनल पॉलिटिक्स में हम लोग हमेशा थोड़ा सा साइडलाइन रहता है और हम लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। हम लोग हमेशा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के साथ टाई अप कर लेते हैं और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बैनर में रह करके हम लोग अपनी ग्रीवेंसेस को ऑल ओवर इंडिया से जितने भी हमारे स्टेट वाइज जितने भी स्टेट में अलग अलग इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको हम लोग या फिर थ्रो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से हम लोग मतलब अपनी बातों को भारत की सरकार की तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस बार हमने ये कोशिश किया है कि चलो हम भारत की सरकार से हम खुद ही बात करेंगे, कोई थर्ड पार्टी नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारी जो भी ग्रीवेंसेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है, उनको प्लेसमेंट करने के लिए हमको एक अपना एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। तो इसीलिए ट्राइबल मेंटलिटी लोगों ने ये सोच करके तय किया कि हम गन सुरक्षा पार्टी को अपना एक ट्राइबल आइडियोलॉजी के साथ एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम नेशनल पॉलिटिक्स में हम अपना एक एक्टिव पार्टिसिपेशन देंगे। तो इसीलिए इसी कंसेप्ट ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और इसीलिए मैं गन सुरक्षा पार्टी के साथ जुड़ी। और मुझे वैसे आप लोगों को पता ही है, मुझे वहाँ से स्टेट अरुणाचल प्रदेश स्टेट यूनिट का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था 16 जून 2023 को। बट वो मैं अभी आपके सामने ये बात खुलासा करना ज़रूरी है कि मुझे स्टेट प्रेसिडेंट बनने से ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है समाज सेवा करने का। तो पॉलिटिकल पार्टी को तो मैं स्टेट में लेकर के आई हूँ और ये ऑर्गेनाइजेशन का एक्सप्लोरेशन और इसका जो एक्सपांसन है उसके लिए मैंने कई हमारे जितने भी पढ़े लिखे नौजवान, जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ से स्टेट के, उन सबको मैंने अपनी तरफ से मैंने आमंत्रित किया और मेरे आमंत्रण पर वो लोग आए, कुछ लोग जुड़े। तो उसमें से हमने ये डिसीजन लिया कि ऐसे ही बहुत ही मतलब काबिल लायक और पढ़े लिखे नवयुवकों को हम मौका देंगे अपने राज्य को, अपने प्रदेश को रिविल करने में, इनको रिफॉर्मेशन लाने में, जो एक पुराना जो हमारा जो ओल्ड ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सेटअप है, इस सेटअप से बाहर निकल के आना है अभी हमको, जो अरुणाचल में पिछले कई सदियों से चल रहा है, पिछले 40 साल से चल रहा है, इसको हमको चेंजेस लाना है। तो चेंजेस लाने के लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत अपना नाम को लिख पाना ज़रूरी है, एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर सकना ज़रूरी है और कानून के दायरे में रह करके, कानून में लॉफुली लीगली लॉ के अंदर में क्या होता है और हमको कॉन्स्टिट्यूशनली अपने राइट्स को जानना है, हमको अपना फंडामेंटल राइट्स को जानना है। तो इन सब बैकअप के साथ में अगर एक क्लियर कंसेप्ट और क्लियर विजन वाला कुछ लोग आएंगे तो ही अरुणाचल का थोड़ा सा हम रूप निरंतरण में थोड़ा सा हम बहुत कुछ बदलाव ला पाएंगे। तो इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया और हमारे पार्टी के जो नेशनल जो हमारे वहाँ पार्टी के को मेरे जो को फ्रेंड्स है, को मेंबर्स है, उन लोगों से भी मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने उनको भी कन्विंस किया कि मुझे स्टेट का पॉलिटिकल पार्टी गन सुरक्षा पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट से मुझे रिप्लेस किया जाए तोको शीतल को, और मेरे बदले में मेरे जगह पर एडवोकेट लिखा तागू जी को स्टेट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाए।
तो ये है मेरे राइट में बैठे हैं एडवोकेट लिखा तागू जी, ये आज से हमारे गन सुरक्षा पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं और इनके साथ में इनको अपॉइंटमेंट दिया गया था 25 अगस्त 2023 को, आज 15 सितंबर है तो मैं लेट से बता रही हूँ क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी स्टेट इलेक्शन कमीशन में, हमको रिकॉग्नाइशन करना था पार्टी का और हमको इंटीमेशन लेटर देना था कि गन सुरक्षा पार्टी हम वहाँ से दिल्ली से आए हैं और यहाँ स्टेट में हमारा इलेक्शन सिंबल हमारा टॉर्च लाइट है जिसका रिकॉग्नाइशन चाहिए था चीफ इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन इलेक्टोरल रोल के लिस्ट में, तो इसीलिए वो सब फॉर्मेलिटीज़ हो रही थी तो इसलिए ये पीसी थोड़ा लेट से रखना पड़ा, अदरवाइज पहले जितना जल्दी होता तो हम उतना ही जल्दी पहले बता देते, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात बताना ज़रूरी था। और दूसरा है हमारा इसमें सेक्रेटरी जनरल जो हमारा स्टेट यूनिट का है गन सुरक्षा पार्टी का, उसका है ये है मेरे लेफ्ट में बैठे एडवोकेट ईडी ग्लोम्बी जी, और यहाँ पर बताना जरूरी है कि मैं दोनों ही तरफ मेरे राइट भी एडवोकेट लिखा तागू जी है, लेफ्ट भी एडवोकेट ईडी ग्लोम्बी जी है, दो एडवोकेट्स को इसलिए मैंने चुना और हमारे गन सुरक्षा पार्टी नेशनल यूनिट ने इसलिए चुना कि कम से कम इन दोनों को फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूरी तरीके से जानकारी होगा, पता होगा। और आप किसी भी पॉलिटिक्स या राजनीति में जाते हैं तो कम से कम सबसे पहले अपने लिमिटेशंस को जानना बहुत ज़रूरी होता है, अपने अस्तित्व को जानना बहुत ज़रूरी होता है। यूं ही पॉलिटिकल पार्टी में कूद करके कोई भी भरा भरा लेक्चर या अनाप शनाप बोलने से वो काम नहीं बनेगा, हमको अगर सीरियसली इफ़ वी वांट टू रिफॉर्म आर स्टेट, हमको चेंजेस लाना है सिस्टम में, करप्शन को अगर हमको बिल्कुल रूट आउट करना है तो हमारे पास में कम्प्लीटली वेल एजुकेटेड वेल बैकअप वाला माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये दोनों हमारे गन सुरक्षा पार्टी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल हैं, इनके साथ में कुछ हमारा जो स्टेट यूनिट में हमने कुछ स्टेट एग्जीक्यूटिव मीट बॉडी बनाई गई है, हमारे पार्टी के आइडियोलॉजी और पार्टी के कंसेप्ट को हमारे जनता के बीच में आप लेकर जाएंगे, एक ब्रिज का काम करेंगे और जो जनता हमारे पार्टी के आइडियोलॉजी से सहमत होंगे हम उनके साथ जुड़ करके एक नया अरुणाचल का, सुधरता हुआ अरुणाचल का निर्माण करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर मेरी रोल ये रहती है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल एडवाइज़र के रूप में इस पार्टी में स्टेट यूनिट में हूँ, तो को शीतल एज ए पॉलिटिकल एडवाइज़र, बट इन नेशनल लेवल मेरी अपनी मैं थोड़ा सा स्टेट प्रेसिडेंट से एक कदम प्रमोशन होकर के नेशनल गन सुरक्षा पार्टी में मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ, तो मुझे कंट्री के लिए ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा एज वेल एज अरुणाचल से स्टार्ट करके, और जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जितने जनजाति लोग रहते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या फिर जो भी हो, अल्पसंख्यक समुदाय से हो या अल्पसंख्यक समिति से हो, जितने भी SC हो ST हो OBC हो, उन लोगों के लिए मुझे बात करना है वहाँ नेशनल लेवल में भारत सरकार के सामने में, उनके जो भी प्रश्न है या उनके जो भी सवालात है, जो भी बवाल है, जो भी मुद्दे हैं, उन पे मुझे चर्चा करना है, तो इसलिए हमारे गन सुरक्षा पार्टी नेशनल टीम ने मुझे नेशनल स्पोक्स पर्सन नियुक्त किया हुआ है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी नवयुवक पढ़े लिखे लोग हैं, जानकारी रखते हैं और अरुणाचल का निर्माण चाहते हैं, क्राइटेरिया नंबर वन है एटलीस्ट मिनिमम सीनियर सेकेंडरी क्रॉस हो, उसके बाद में आप कितना लेवल तक आपका ग्रेजुएशन है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसका कोई वो कोई मैटर नहीं करता, बट एटलीस्ट आप अपना नाम को लिख सके और लॉ एंड ऑर्डर को समझ सके, कानून को जान सके, कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सके, उसके बाद में आप अपने हक और अपने समाज के हक के लिए आप बात कर सके, ऐसे लोगों को मैं वेलकम करती हूँ गन सुरक्षा पार्टी स्टेट यूनिट में। ये पार्टी इसलिए मैंने नहीं बनाई है कि मुझे लोकसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है और मुझे MP जीतना है तो बस मुझे एक पार्टी का लैंडिंग ग्राउंड चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज़ माई क्लियरली मेरा कंसेप्ट में है कि हमको अरुणाचल प्रदेश में एक अल्टरनेटिव स्ट्रांग ओपोजिशन पार्टी की ज़रूरत है, और अल्टरनेटिव स्ट्रांग ओपोजिशन कब बनेगा, जब अवेयरनेस हमारे पब्लिक के बीच में आएगा, पब्लिक जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे कि वट एवर वी आर डूइंग, हम जो प्रैक्टिस कर रहे, जो हम जो अभी हाल फिलहाल में जो हम कर रहे हैं वो गलत है, द ट्रेंड कॉल मनी कल्चर, हम लोग मनी कल्चर के पीछे में फॉलो करते हैं और मनी कल्चर को ही हम लोग सब कुछ मानते हैं, इलेक्शन प्रोसेस तो यहाँ कुछ रहा ही नहीं, सिर्फ एक बिजनेस बना के रख दिया गया है, तो इसको हमको नंबर वन चेंज करना है। वी यूज टू ब्लेम आर गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशंस,
but we forget, at the same time we forget that we are the person, those who are responsible for all these corruptions. Because during the time of election, we charge plenty amount of money from the so-called candidates, the losing one or the winning one. चाहे कोई भी हो, बहुत पार्टी कैंडिडेट से हम लोग अपना प्रॉब्लम्स बताते हैं और हम लोग डिमांड करते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम्स ये करेंगे. We don't see whether the candidate lose or win. We only see our problems. That is the main root cause of every corruption of the state, which need to be eradicate, which need to be rectified. तो उसके लिए rectification के लिए आप जैसे बहुमूल्य media friends का भी योगदान का बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग ही वो एक ऐसा strong pillar है हमारे democracy में, कि आप जाएंगे जनता के बीच में, आप संदेशा देंगे और हमारे बारे में गन सुरक्षा पार्टी का जो हमारा जो कंसेप्ट है, जो मोटो है, जो आइडियोलॉजी है, वो आप शेयर करेंगे जनता के बीच में, तब जाकर के जनता को भी थोड़ा सा जिज्ञासा जागेगी और उनको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली गन सुरक्षा पार्टी किस लिए और क्यों है अरुणाचल प्रदेश राज्य में और क्या करना चाहते हैं. तो इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान और रोल रहेगा. इसलिए मैं आप सब से भी हाथ जोड़कर विनती और गुजारिश करना चाहूँगी कि इस राज्य को बचाने में, इस सिस्टम को सुधारने में, करप्शन को, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की मिनिमम लेवल ऑफ हमारी कोशिश में प्लीज़ आप लोग भी योगदान दीजिए, साथ दीजिएगा. और जिस तरीके से आज के आपके माध्यम से मैं अपनी जनता तक अपनी मैसेज को पहुंचा पा रही हूं, उसी तरीके से आगे भी आप लोगों का अगर इसी तरीके से साथ और योगदान मिला, तो हम सब मिलकर के एक नया अरुणाचल का निर्माण कर सकते हैं. तो इसीलिए ये मेरे तरफ से इतने दो चार शब्द रखने थे. बाकी हम अपने प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी सर से हम पहले सुनते हैं पार्टी को लेकर के आगे क्या कार्यक्रम करेंगे और कैसे करेंगे. तो ओवर टू सेक्रेटरी सर. गुड आफ्टरनून. आज मैं बहुत खुशी है आपका इस मीडिया का तरफ से मैं ये बोलना चाहता है कि आज टीम गन सुरक्षा पार्टी अरुणाचल ने मुझे एक जनरल सेक्रेटरी जनरल का पोस्ट में नियुक्त किया गया. तो मेरा यही अपील है, मेरा ये बोलना है, अपना जो स्टेट प्रेसिडेंट के साथ और अपना ये एडवाइज़र के साथ जो भी हो टीम वर्क, गन सुरक्षा पार्टी के टीम वर्क, हम लोग जो सिस्टम है वो सिस्टम से करेंगे. जो जितना हम लोग का आइडियोलॉजी है, जो रूल्स है, रूल से बाहर नहीं जाएंगे, रूल से हम लोग कभी सीमा पार नहीं करेंगे, सिस्टम से करेंगे. और हम लोग का एक उम्मीद है गन सुरक्षा पार्टी इधर आके, मेरा एक उम्मीद है जो अभी बोला मेरा दीदी ने बोला, जो हम लोग का सिस्टम वही है कि हम लोग सिस्टम को बदलेगा. अभी जो सिस्टम चल रहा है अरुणाचल में, जो पूरा सारा अरुणाचल मालूम है, सारा भारत मालूम है, वो चीज़ को हम लोग चेंजेस जरूर लाएगा. इस गन सुरक्षा का प्लेटफॉर्म को लेके आके हम लोग सिस्टम को चेंजेस करेगा बोल के ये हम लोग का एक प्लानिंग है, हम लोग का एक सोच विचार है. इसी माध्यम से मैं बार बार ये बोल रहा है, हम लोग का अभी गन सुरक्षा अरुणाचल पे कुछ ही दिन हुआ है, तो यहाँ कुछ दिन हुआ है, अभी एकदम नया पार्टी है. तो नया पार्टी चलते ही हम लोग अभी जितना से ऑफिस ये सब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जितना ऑफिस है हम लोग का कुछ करें, और डिस्ट्रिक्ट में जो एक्सपांशन चल रहा है वो भी जारी है और जारी रहेगा. मेरा इतना ही. ओके, नमस्कार अरुणाचल. बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया साथीगण, और बहुत ही धन्यवाद शीतल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद गन सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष हीरा जी, जो मुझे अरुणाचल प्रदेश के प्रेसिडेंट का भार सौंपने की लायक समझा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ. साथ ही मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि मेरा नाम लिखा तागू है, पेशा से मैं एडवोकेट हूँ. हाल फिलहाल में मैंने ये जो वार्तन दिया गया है स्थित प्रेसिडेंट का, मैंने स्वीकारा है और आज अरुणाचल प्रदेश के जनता का सामने आ बैठा हूँ. इसके साथ साथ मैं अपने मन की बात आपके सामने रखना चाहूँगा. इस पार्टी में मेरे आने का जो मकसद है, इस पार्टी में मेरे शामिल होने का जो मकसद है, वो है हमारा बदलाव, हमारा विचार को बदली करना, हमारा सोच को बदलना, और नई उमंग, नई ऊर्जा और नई युग में नई दिशाओं के साथ चलना.
ये मेरा एक विचार और विमर्श को लेकर मैं इस पार्टी में आया हूँ, GSP, जिसे गण सुरक्षा पार्टी कहते हैं। बहुत लोगों का कहना है कि GSP किसी पार्टी का अलायंस है या किसी का साथ काम करते हैं, वो चीज़ को बहुत लोगों ने क्लियर किया, बट मैं आज डिक्लेरेशन करता हूँ अरुणाचल वासियों का सामने, मीडिया का सामने, ये पार्टी हो ही नहीं सकता टेक्निकली, क्योंकि इस पार्टी का जन्म हुआ ही 2019 को हुआ है। 2019 के बाद तो कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ तो अलायंस हो ही नहीं सकता। दिस इज़ अ टेक्निकल पॉइंट। तो इस बात को आपकी मदिया से मैं अरुणाचल वासियों को क्लियर बताना चाहता हूँ, ये एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, गण सुरक्षा पार्टी, और ये पार्टी सेकुलरिज्म, डेवलपमेंटल, प्रोग्रेसिव और रीजनलिज्म पर काम करता है, स्पेशली ट्राइबल के लिए ये काम करने वाला पार्टी है। इस पार्टी को देखते हुए, इस आइडियोलॉजी को देखते हुए मैं इस पार्टी में जुड़ा और काम करने का निर्णय लिया है। वैसे तो मैं हमारा देश की, जो हमारा स्टेट की, हमारे राज्य के लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन बट आई एम ए लीडर। हेयर वी आर नॉट ए पॉलिटिशियन बट वी आर ए लीडर। हम ये पॉलिटिक्स खेलने नहीं आया है, हमारा काम है पॉलिटिक्स सिस्टम को बदलना है। जो अरुणाचल प्रदेश का जो पॉलिटिक्स सिस्टम बना के रखा है उन्हें बदलना, इसलिए हम यहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं आया। आपका माध्यम से मैं क्लियर बता रहा हूँ कि हम यहाँ किसी का साथ पॉलिटिक्स नहीं करने आए, या ना जनता का साथ पॉलिटिक्स करने आए, या किसी पार्टी का साथ पॉलिटिक्स करने आए, या किसी मीडिया का साथ, या कोई नौकरी चाकरी करने वाला का साथ पॉलिटिक्स करने आए, बट हम आने वाला पीढ़ी के लिए पॉलिटिशियन बनकर देश का और इस राज्य का जो पॉलिटिक्स सिस्टम है उसे बदलने आया है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजेस है मेरे सामने और मेरे टीम के सामने, साथ ही साथ आप लोग का सामने भी, ये बहुत बड़ा ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा चैलेंजेस रहेगा आज से लेके आने वाला समय तक। और इस पार्टी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात ये है कि ये ट्रैवल लोगों के लिए काम करता है, और आप सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश कम्प्लीटली ट्रैवल स्टेट, यहाँ का जो इंडिजिनस है कम्प्लीटली ट्रैवल है, बट वी आर नॉट अंडर द ट्रैवल राइट्स। ट्रैवल है बट हमारा राइट्स क्या है, हमारा बेनिफिट्स क्या, वो कम्प्लीटली नहीं मिला और मिल भी नहीं रहा है। और यहाँ से जब हम भेजते हैं MP, वो इस बारे में पार्लियामेंट में बहुत ही कम सुनने को मिलता है। तो इसलिए मैं इस पार्टी में आया, जैसे कि शीतल जी मैडम ने आप लोगों को बताया कि उन्होंने ये पार्टी जब लेके आया, उन्होंने घोषित किया कि उन्हें जनता का द्वारा कि उन्हें वेस्टर्न पार्लियामेंट से उन्हें लोकसभा के लिए कैंडिडेट चुना गया, तो मुझे भी लगा कि हाँ ये एक ऐसे लेडी है जो इस बात को, जो ट्रैवल का बेनिफिट्स को, फाइनल का राइट्स को वो पार्लियामेंट में बातें रख सकती है उसकी। तो इस बात को देखते हुए मैं शीतल जी के साथ जुड़ी हूँ, GSP का साथ जुड़ी हूँ, और स्थित प्रेसिडेंट का बार को लेने के लिए तैयार हूँ, और आज मैं ले रहा हूँ जनता के सामने आपके माध्यम से। दूसरी बातें में ये बात को मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आज पहली बार है तो पहली दफ़ा में मैं बहुत सारे बातें नहीं कहूँगा और मेरे कहने की आदत भी नहीं है। मैं पहले बात विराम रखूँ, उससे पहले मैं कुछ बातें जनता से कहना चाहता हूँ। ये मैंने जो बात कही है, जो शीतल जी ने बात कही है कि बदलाव, ये इतनी आसान नहीं है। चेंजेस नेवर कम बाय द वर्क ऑफ वन पर्सन, इट शुड बी कम बाय द मास, लोगों को जमावारे से, लोगों को चाहत से, लोगों की इच्छा की, लोगों के अनुभव से ही बदलाव हो सकता है। इसलिए मैं नई पीढ़ी युवाओं से, युवक्ति से, और अन्य आप माता पिताओं से, बुजुर्ग से, पढ़े लिखे लोग से, ऑफिसर्स लोग से, मेरी ये विनती है, मेरी ये आप सबसे अनुरोध है, आप YouTube में, WhatsApp में, Facebook में, Twitter खेल के ये मत ट्रोलिंग करते रहो कि सरकार ने ये किया, उसने वो किया, ये नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं। इतिहास गवाह देती है कि बदलाव लाने के लिए इंसान को सेक्रीफाइस करना होता है, तकलीफ उतारना होता है, कुछ कुछ चीज़ें बलिदान देना होता है, वो हमें देना होगा। आपको मनी कल्चर छोड़ना होगा, आने वाला पीढ़ी के लिए सोचना होगा, खुद को बदलना होगा, अपने विचारों को बदल करना होगा।
जब तक आपने विचार बदल नहीं करोगे तब तक ये बदल ना ये स्टेट संभव नहीं है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, जब तक हमारे विचार बदलाव ना हो तब तक ये चेंजेस संभव नहीं है। मैं या शीतल जी या जी एस पी टीम कहने से बदलाव हो नहीं सकता, बट हर एक जनता हर एक लोगों को जी एस पी में आकर पार्टिसिपेट करना होगा, चाहे मीडिया बंधु हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे किसी भी प्रकार का, किसी भी समाज के, किसी भी सभ्य, किसी सोसाइटी का, उन्हें आगे आकर सच्चाई और ईमानदारी का साथ और लगाव का साथ साथ ही देश को आगे बढ़ाने के लिए और आने वाला पीढ़ी के लिए सोच के अपना चाहत अपनी इच्छा को मारना होगा, अपने आप को बलिदान देना होगा और इस बात को स्वीकारना होगा कि हमें अरुणाचल प्रदेश बदलाव चाहिए। आप पत्थर फेंकने से बदलाव नहीं आएगा, आप रैलियां जाने से बदलाव नहीं आएगा, आप गालियां देने से बदलाव नहीं आएगा, बदलाव तभी आएगा तब आपकी सोच बदलना होगा। उस सोच को सोच में ही नहीं बल्कि आप उसे इम्प्लीमेंट करना होगा, जमीनी स्तर पर लेके आना होगा और आगे निकलना होगा, तभी बदलाव आ सके। कुल मिला के मैं आपका माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जय हिंद, जय अरुणाचल।